तो अगर तैयारियां पूरी हो तो किसी भी चुनौती का सामना करना अतिशय मुश्किल नहीं होता, और कोरोना की साए में दुनिया के कई देश इस वक्त परेशान है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल है। देश के करीब करीब पूरी आबादी वैक्सीन की डोज ले चुकी है, फिर भी सरकारें अलर्ट मोड में हैं, और पीएम मोदी ने कल इस पर समीक्षा बैठक भी की। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कोविड की रोकथाम को लेकर उनकी तरफ से भी बैठक की गई। कर्नाटक में भी इस बीच इसको लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। केरल सरकार ने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओडिशा महाराष्ट्र सरकारें भी इस वक्त अलर्ट मोड पर आ गई हैं। क्रिसमस और नए साल के स्वागत से पहले चीन और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां तीन साल पहले थी। लेकिन भारत को इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि चीन और भारत के हालात में काफी अंतर है। इसलिए पैनिक होने की नहीं, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। तो हमारी सिचुएशन चाइना के हिसाब से अलग है, बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ना करें। विजिलेंट रहना जरूरी है, बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड रादर देन अंडर प्रिपेयर्ड। इसलिए हमें पूरी तरह से जीनोम सर्वेलेंस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, तीनों चीजों पे फोकस देने की जरूरत है। हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है वैक्सीन। भारत में कोविड वैक्सीनेशन अभियान काफी सफल और असरदार रहा। हमारे देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है, जिनमें बुजुर्ग, युवा और कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इसी को देखते हुए जानकार विदेशों में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद लोगों को न घबराने की सलाह दे रहे हैं। हमारे को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट काफी लोगों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और फिर काफी तादाद में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, तो दोनों को मिलाकर एक हिब्रिड तरह की एक इम्यूनिटी हो गई है, और वो मुझे लगता है कि इस वायरस को रोकने में काफी सिद्ध होगी। हालांकि कोरोना को मात देने के लिए पहले की तरह 5 हथियारों का इस्तेमाल करने का सुझाव भी सभी जानकारों ने दिया है। ये वही हथियार हैं जिनकी बदौलत अब तक आप और हम कोरोना को हराते आए। ये हथियार हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। साथ ही सबसे जरूरी और आखिरी हथियार है कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी त्योहारी सीजन लोगों से एहतियात बरतने और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। जानकार भी क्रिसमस और नए साल के मौके पर घरों और क्लबों में होने वाली पार्टी से लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि भीड़भाड़ ज्यादा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिन जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ये समय होता है जब लोग पार्टी करते हैं और हम अपना गार्ड डाउन कर देते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना है क्राउडेड एरियाज के लिए। इस बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने साफ किया कि चीन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के नए वेरियंट BF.7 से घबराने की जरूरत नहीं है। ये ओमिक्रॉन फैमिली का सब वेरियंट है जो चीन में वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी चकमा दे रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत के लोगों में 98% से ज्यादा नेचुरल इम्यूनिटी है, इसलिए यहाँ चीन जैसे हालात नहीं होंगे। जिस देश में नेचुरल इम्यूनिटी कम है वहाँ इसका असर ज्यादा हो सकता है। हम आपको बता दें कि ये वही प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल हैं जिनका भारत में कोरोना की दूसरी लहर को किया गया आकलन सटीक साबित हुआ था। भारत में बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार, और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF.7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष का असर नहीं दिख रहा है भारत में, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। अभी तक हमारे देश में 28% लोगों ने ही तीसरी डोज ली है,
बाकी लोगों ने कोरोना संक्रमण को कमजोर पड़ता देख प्रिकॉशनरी डोज को अनदेखा कर दिया, लेकिन अब फिर वैक्सीन की ढाल की हमें जरूरत है। ऐसे में बूस्टर डोज के लिए अपना स्लॉट जल्द से जल्द बुक करवाएं। मतलब कोरोना से डरिए नहीं, जमकर डटिए और इस महामारी को मात दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के नए वेरिएंट और नए संक्रमण ने लोगों की चिंताएं बढ़ाई जरूर हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सावधानी से खतरे को टाला जा सकता है। तो आपको सुनवाते हैं क्या है देश के जाने माने एक्सपर्ट्स की सलाह। नागरिक होने के नाते सबको एक गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, मास्किंग फॉलो करना, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और जो जो इंतजाम सरकार ने करेगा इस विषय पर या सरकार जो गाइडलाइन बताएगा जारी करेगा, वो कदम हम अगर ठीक से फॉलो करेंगे, इससे हमको हमारा ही फायदा है। कोविड फिर से यहाँ पे कोई खराब परिस्थिति तैयार नहीं करेगा या कोई पैदा भी नहीं होगा। इंडिया में अभी तक तो सिचुएशन कंट्रोल में है ये, लेकिन बढ़ने का संभावना है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जीनम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए, सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए हमको रिक्वेस्ट किया है। फेज फोर रिजल्ट्स के हिसाब से हमारी जो वैक्सीन है जो हमारे यहाँ यूज हुई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है जो कि चाइना को नहीं मिल पाया। चाइना में एक तो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत बड़ी वेव नहीं आई, और दूसरा उनकी वैक्सीन डेफिनेटली मच पुअरर इन कंपैरिजन टू आर वैक्सीन। उनकी वैक्सीन ऑलमोस्ट सर्टेनली फेल हो चुकी है। लेकिन मैं अपनी कंट्री के हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव कोविड की आ चुकी है, और उसकी वजह से हमारे लोगों के अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी एंटीबॉडी रहती हैं, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है ताकि हम लोगों को कोविड ना हो। और सेकंड, हमारे लोगों के अंदर, काफ़ी लोगों के अंदर दो वैक्सीन की डोज तो जा ही चुकी है, और थर्ड डोज जो बूस्टर है या प्रिकॉशन डोज हम लोग बोल रहे हैं, वो भी काफ़ी लोगों ने लगानी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी कंट्री के लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी भी है और हम लोगों ने वैक्सीनेशन की डोज भी पूरी ले रखी। एक्सपर्ट की सलाह तो आपने सुन ली, लेकिन अब कोरोना से जंग को लेकर लोग भी अलर्ट हैं और वो इस बार डर नहीं रहे, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के वकालत कर रहे हैं और उसके पालन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। सुनिए क्या कहना है लोगों का। कोविड के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले से जो प्रिकॉशंस लिए थे, और जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से हम बहुत सेफ है। लेकिन प्रिकॉशंस जैसे जो ट्रेजेक्टरी थी पहले से, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाए तो रिस्क कम होगा और मिनिमम डैमेज होगा, तो लॉकडाउन तक जाने की कोई जरूरत नहीं आएगी। गवर्नमेंट जब बोल रही है तो पब्लिक प्रिकॉशन लेना चाहिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती ना। उनका काम है इंस्ट्रक्शंस देना, फॉलो करना नहीं करना पब्लिक का काम है, अगर नहीं करो तो दे विल सफर फॉर दैट। सेकंड डोज, बूस्टर डोज निकालना, लगाना, मास्क भी लगाना जरूरी है, और गवर्नमेंट कंपलसरी करे वो सबसे बेस्ट है। तो दूसरे को, हमारे जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, उसको भी थोड़े सेफ्ट हो जाते हैं। अपनी खुद की सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। बस मेरा ये कहना है हर जनता को, ये मेरा बात बोलना है, मास्क तो पहनना चाहिए, कंपलसरी मास्क पहनना चाहिए। अब बिना मास्क का नहीं चलेगा, और ज्यादा भी शोर शारों में नहीं जाना, जो भी है ध्यान रखना, अपने लिए अच्छा है, अपने भारत के लिए अच्छा है। हर कंट्री में भी ये थोड़ा थोड़ा आ ही गया है, तो अपन भी ध्यान रखे तो अपने लिए बहुत अच्छा है। दुश्मन की नापाक नजरों से सरहदें महफूज हों, इसके लिए हमारी सेना माइनस डिग्री में भी बुलंद हौसलों के साथ डटी हुई है। पूर्वी लद्दाख ऐसा इलाका है जहां मौसम कड़ा इम्तिहान लेता है, बावजूद इसके बीते कुछ सालों में सेना ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी। सेना की मदद से पूर्वी लद्दाख में सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ी है और अब आर्म्ड फोर्सेस का आना जाना आसान हो गया है। सेना की कोशिश यही है कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एलएसी के मुश्किल मोर्चों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए।
एलएसी पर चीन को टक्कर देने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है, चाहे तकनीक का मोर्चा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का, पुल हो, सड़कें हो या हेलीपैड। सेना की सुगम आवाजाही के लिए साल के 12 महीने यहां कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है, लिहाजा यहां लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बहुत तेजी से एलएसी पर हालात बदल रहे हैं। इन्हीं निर्माण कार्यों की वजह से गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख का बॉर्डर से जुड़ा ये इलाका काफी बदल गया है। -30 जी सर, दिन का मान के चलिए -15 हो जाता है, 20 भी हो जाता है। और ये मुझे बता दीजिए कितना बदला है पिछले 2 साल के दौरान, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के लिए, क्योंकि आप काफी समय से एलईसी पर तैनात हैं। जी सर, पहले तो सर रोड भी नहीं था, अब धीरे धीरे रोड हो गया सर, अब रोड आने जाने का सब चीज हो गया। दारबुक दौलत बेग रोड पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, ज्यादातर हिस्से पर मजबूत और पक्की सड़क बन चुकी है, जहां से सेना का साजो सामान और टैंक भी आसानी से गुजर सकते हैं। कि भारत की सेना के लिए ये सड़क एक जीवनदारा से कम नहीं है। 250 किलोमीटर से भी लंबा ये रोड पिछले 6 साल के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, दिन रात इस पर काम करके, और उस बीच तापमान जबकि 0 से 20 डिग्री भी नीचे है तब भी इस सड़क पर काम जारी रहा, और यही वजह है कि अब ये सड़क लगभग तैयार हो चुकी है। इस सड़क का ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बस कुछ ही हिस्से का काम बाकी है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बीआरओ की टीम दिन रात इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटी है। कितना काम इस पूरे रोड पे जो करीब 2260 किलोमीटर है, कितना बचा है काम इस सड़क का? ये सड़क हम कनेक्टिविटीज की प्रदान कर चुके हैं, केवल कुछ दिनों की वाइडनिंग इस पर बाकी है। जैसे ही वाइडनिंग हो जाएगी और टेम्परेचर हमको सही रूप से मिलेगा, हम इसका ब्लैक टॉपिंग करके कंप्लीशन। समुद्र तल से 17,570 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास की तस्वीर भी देख लीजिए, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप किया जा रहा है। इस सड़क को इतना काबिल इस पास को बनाया गया है कि यहाँ से आप बोफोर्स भी जो है आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ले सकते हैं, टैंके भी ले सकते हैं, और ली भी गई है इसी सड़क से। पहले तो ये मात्र सिंगल लेन सड़क था, वो भी बीच बीच में बंद हो जाता है, अब 24/7 पूरा साल भर खुला रहने वाला ये हाईवे बन गया है और 2 लेन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निर्माण कार्य के साथ ही आसपास के गांव और इलाकों को भी विकसित किया जा रहा है। लद्दाख का आखिरी गांव कहे जाने वाले श्योक गांव की भी इस निर्माण कार्य में अहम भूमिका है। इस गांव में 28 परिवार हैं। इन सभी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही रोजगार दे रही है और एलएसी पर निर्माण कार्यों में ये गांव बखूबी अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुई उससे पहले से गांव यहाँ पे मौजूद है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और इस गांव के सभी लोग जो हैं जोश के साथ बीआरओ के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इन 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। जाहिर है इन प्रोजेक्ट्स का मकसद इस इलाके में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ताकि एलएसी पर सेना का मूवमेंट सुविधाजनक और तेज हो सके। पूर्वी लद्दाख से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरहद महफूज हो और सेहत दुरुस्त हो तो त्योहारों का जोश और उल्लास दोगुना हो जाता है। पूरे देश में अब क्रिसमस के रंग दिखने लगे हैं, कहीं बाजार सजे हुए हैं तो कहीं पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग चर्च और गलियां नजर आ रही हैं। 10 शहरों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर क्रिसमस की तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं इन तस्वीरों में आप देखिए। और मुंबई की बात करें तो माहिम के विक्टोरिया चर्च में लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लखनऊ में भी चर्च में तैयारियां जबरदस्त हैं और क्रिसमस मनाने के लिए यहां पर खास साज सज्जा की जा रही है। तो वहीं वाराणसी में बाजार क्रिसमस के सामानों से पटे पड़े हैं, चर्च में तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो कोची में तो चर्च के सामने 65 फीट की एंजल सजाई गई है।
कोलकाता की बात की जाए तो बड़े दिन को मनाने के लिए यानी कि क्रिसमस को मनाने के लिए तैयारियां यहां पर खास है, पूरा शहर जगमगा रहा है। आपको बता दें कि चर्च बाजार हर जगह सजे हैं, लोग खूब खरीदारियां कर रहे हैं, दिल्ली में भी बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। अगर रामेश्वर के बाजारों की बात की जाए तो क्रिसमस की खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं और सिलीगुड़ी में तो क्रिश्चियन समुदाय क्रिसमस के लिए सभी तैयारियां कर ही चुका है। नासिक में तैयारियां जोरों पे हैं ही, लोग खुश हैं और बड़े दिन का इंतजार कर रहे हैं। क्रिसमस में अब महज दो दिन का वक्त बचा है, ऐसे में क्रिसमस के मौके पे बाजार पूरी तरह से सज सज कर तैयार हैं। चर्चेस पर शानदार सजावट की गई है, कोलकाता में क्रिसमस पर विशेष साज सज्जा है, वहां क्रिसमस के रंगों को लेकर देखिए क्या कुछ चल रहा है और हमारी खास रिपोर्ट देखिए कैसा है क्रिसमस का नजारा। क्रिसमस और नए साल की धूम पूरे देश में है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। साल के आखिरी उत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। कोलकाता के इस चर्च की रौनक देखिए, यहां लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। कोलकाता के चंदन नगर में 332 साल पुराने चर्च की ये तस्वीर बेहद अद्भुत है। कैथोलिक चर्च पर शानदार सजावट की गई है, इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। चर्च के बाहर बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया है। क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, हालांकि कोरोना को लेकर लोग अलर्ट भी दिख रहे हैं। हमारे बीच में तो नया जो वेरिएंट आया है तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रिकॉशन फिर से जरूरी है। वेस्ट बंगाल के लोग मतलब मैक्सिमम टाइम मास्क नहीं पहनते हैं, तो अभी जो गैदरिंग चल रही है तो मुझे लग रहा है कि प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है, मास्क पहनना तो बहुत ही जरूरी है। हम सब ने देखा है कि कोविड के टाइम में सबको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो सेलिब्रेशन अपनी जगह है। ऑफ कोर्स हम लोग दो साल से सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, इस साल करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मास्क पहनकर और सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम फिर से वो पहले कोविड वाले एरा में वापस नहीं जाना चाहते। अब कोलकाता के इन बाजारों की चमक दमक देखिए, ये भी क्रिसमस के रंग से सराबोर हैं। बाजारों में खरीदारों का हुजूम है, सतरंगी लाइटिंग के बीच ये नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज समेत तमाम सजावट के सामान यहाँ बाजारों की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं। कोलकाता से भोलानाथ साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छुट्टियों के इस सीजन में सैलानियों का पहाड़ी इलाकों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिमला में क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। मनाली में दो साल के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। नए साल और क्रिसमस के मौके पे सैलानियों को रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग खूब पसंद आ रहा है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टी वैसे तो हर कोई अपने अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन इस सर्द मौसम में छुट्टियों का असली मजा पहाड़ों में मिलता है। यही वजह है कि इन वादियों में बड़ी तादाद में सैलानी खींचे चले आते हैं। क्रिसमस के मौके पर शिमला सहित कई पहाड़ी इलाकों में सैलानी पहुंचने लगे हैं। कई होटल्स में बुकिंग फुल है। बर्फबारी और 25 दिसंबर का सैलानियों को बेसब्री से इंतजार है। शिमला के रिज मैदान पर मौजूद क्राइस्ट चर्च की खूबसूरती निहारने देशी नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 25 से 31 का जो दिन है, जो इसके एक हफ्ता है, इसमें काफी रश रहेगा और लोग काफी शिमला आएंगे। आ रहे हैं यहाँ पर ज्यादा कि हाँ देखते हैं शिमला में बर्फ पड़ेगी, क्रिसमस का माहौल कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ क्रिसमस पर बर्फ हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो लोकल एरिया लोकल स्टाफ है यहाँ का, वो भी यही बोल रहा है कि जनवरी में बर्फ का है चांसेस, दिसंबर में शायद मुश्किल हो पाएगा चांसेस। अब मनाली का खूबसूरत नजारा देखिए। छुट्टियों के सीजन में जब ऐसी वादियाँ देखने को मिल जाए तो छुट्टी और क्रिसमस दोनों स्पेशल बन जाते हैं, लिहाजा हिमाचल का मनाली सैलानियों को खूब भा रहा है। मेरा पहला विजिट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्लाइमेट बहुत उधर से क्लाइमेट से, हम साउथ से, डीप साउथ से है, उधर से क्लाइमेट कंपेयर करें तो यह कंप्लीटली चेंज है।
उधर 21 डिग्री सेल्सियस हो तो उतना ठंड नहीं लगता, लेकिन यहाँ 9 डिग्री 8 डिग्री में बहुत ठंड लगता है, बहुत ठंड लगता है। अच्छा एक्सपीरियंस है, हो रहा है। सैलानियों के पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। कारोबार पिछले 2 साल की तुलना में बेहतर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यहाँ 31 दिसंबर को रिकॉर्ड तोड़ सैलानी मौजूद रहेंगे। पिछले 2-3 सालों से जो मनाली में पर्यटकों की संख्या जो बहुत कम रही, जिसका कारण जो कोरोना रहा, इस साल कुछ उम्मीद जो पर्यटन व्यवसायों में जगी है कि अभी इस बार जो जिस तरह से यहाँ पे पर्यटकों की जो भीड़ देखने को मिल रही है, तो इससे ये लग रहा है कि इस बार का जो सीजन काफी अच्छा रहेगा। क्रिसमस और न्यू ईयर के समय जो है हर साल ही मनाली में हम टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो बढ़ता है, और उसको लेकर जो प्रशासनिक तौर पे जितनी भी तैयारियां या हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था, पुलिस और होमगार्ड्स की ज्यादा प्रेजेंस, उसको लेकर सारी तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से कर ली गई हैं। जाहिर है क्रिसमस और नए साल का रंग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके में सावधानी जरूरी है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी, ताकि जश्न का दौर चलता रहे और सेहत भी बनी रहे। शिमला से विकास शर्मा, मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर का, जो सैलानियों की मस्ती का अड्डा बना हुआ है। क्रिसमस और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए सैलानियों ने अभी से यहां डेरा जमा लिया है और जैसलमेर शहर पूरे एहतियात के साथ मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। जैसलमेर की ये मरुभूमि आजकल देसी विदेशी सैलानियों की सैरगाह बनी हुई है। राजस्थान के पारंपरिक रंग टूरिस्ट को खूब भा रहे हैं। यही वजह है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट की बहार ऐसी है कि इस खूबसूरत शहर की गलियां छोटी पड़ गई हैं, लेकिन मस्ती सैर सपाटे के बीच सैलानी भी कोविड को लेकर सतर्क हैं। तो मास्क लगा रहे हैं ताकि हम भी सुरक्षित रहे और दूसरे भी सुरक्षित रहे, इसीलिए लगा के रखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, सभी टाइम पे हम सिंस कोरोना स्टार्टेड हम मास्क लगा के ही चल रहे हैं, ताकि दुनिया सुरक्षित रहे, ताकि लॉकडाउन ना आए एंड कोई इम्पैक्ट ना हो जाए। कोरोना के फिर से सिर उठाने की खबरों के बीच प्रशासन भी अलर्ट पर है और तमाम एहतियात बरत रहा है। पहले से ही सावचेत है और कार्रवाई समय पे पहले से ही की जाएगी। अभी राज्य स्तर से तो कोई ऐसी एडवाइजरी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पे अपने पिछले अनुभव को देखते हुए हॉस्पिटल सभी अस्पतालों को हमने सावचेत कर दिया है। इस प्रकार के जो संभावित रोगी है उनकी तत्काल जांच करें और अगर पॉजिटिव पाया जाता तो जो नियमानुसार जो भी जो प्रिकॉशन लेनी है और कार्रवाई करनी हो हम करेंगे। यहाँ के होटल व्यवसायी सैलानियों के स्वागत को तैयार है, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि जश्न का दौर चलता रहे और लोगों की सेहत के साथ ही इनका व्यापार भी फलता फूलता रहे। वापस कोरोना ने जिस तरीके से दस्तक दी है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने सैनिटाइजर है, प्रॉपर क्लीनिंग है और मास्क है, और पर्यटकों को जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए कहा है। उम्मीद यही कि जैसलमेर में खुशियों के रंग यूं ही जमते रहेंगे। सैलानी यहां से खूबसूरत यादों की सौगात घर लेकर जाते रहेंगे और इस शहर की सेहत और रंगत वक्त के साथ निखरती रहेगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। भारत में नए साल पर ज्यादातर लोग धार्मिक जगहों में दर्शन और पूजा करने के लिए जाते हैं, जहां वो आने वाले साल में खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। और इनमें वैष्णो देवी और शिरडी के साईं बाबा का दरबार काफी प्रसिद्ध है, जहां पर साल के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। वैष्णो देवी के दरबार में यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नए साल के मौके पर यहां श्रद्धा का सबसे बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। इस साल भी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
हमारी कैलकुलेशन है कि शायद इस बार भी 31 को भी हम काफ़ी अच्छा मात्रा में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनकी सुविधाओं को लेकर जहां पे बेसिक उनको जो फैसिलिटीज़ और सुविधाएं हमने प्रोवाइड करनी है उनको लेकर, उनकी सिक्योरिटी को उनको, ताकि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारी मीटिंग जो है वो और अरेंजमेंट जो है इन प्लेस जो है हो गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन करवाने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग रणनीति के तहत काम किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जब भीड़ का दबाव बढ़ेगा तब जगह जगह पर यात्रियों को रोका जाएगा। तो ये एक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बड़ी अच्छी मुहिम है, जिससे कि हम जो है डिजिटली चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कितने लोग जो हैं किस स्पॉट पे इस समय खड़े हैं और कितनों ने इस स्पॉट को क्रॉस किया, तो उसको जो है अच्छे से इम्पोज किया जाएगा और डिजिटल तरीके से जो है क्राउड मैनेजमेंट करने का एक बहुत अच्छा नया जो इनिशिएटिव है वो भी इसमें हेल्प करेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा पर नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी। यात्रा मार्ग पर पैदल चल रहे यात्रियों को सभी जरूरी जानकारी लाउडस्पीकर के जरिए मुहैया कराई जाएगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छे तरीके के अच्छे लोग हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर चेक पोस्ट भी बनाई गई है। ऐसा ही उत्साह और तैयारियों की झलक साईं की नगरी शिरडी में भी देखने को मिली। क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए शिरडी पूरी तरह से सज चुकी है। सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में नए साल के मौके पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस साल भी 1 से 10 जनवरी के बीच करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ दर्शन के लिए पहुँचने की उम्मीद है। नए साल के लिए यहाँ के ज्यादातर होटल्स में बुकिंग फुल हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक अलग रणनीति बनाई है ताकि लोगों को जाम में ना फंसना पड़े। प्रशासन का जो अंदाज है तो कम से कम ये 10 आने वाले 10 दिनों में 7 से 8 लाख भाविक श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, तो ये भाविकों का दर्शन सुलभ तरीके से हो, भाविकों का जो आने वाली उनकी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन और बाकी के सारे लाइन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तैयारी चली है। कोरोना के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। तो मैं यही अपील करूंगा कि कोविड शुरू हुआ है ऐसा समझ के जो हम लोग जो प्रिकॉशंस ले रहे थे पहले जब कोविड के पीरियड में, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना या सोशल डिस्टेंस रखना, जहाँ पे भीड़ हो वहाँ पे न जाना, ये लोगों ने पालन करना चाहिए। जाहिर है आस्था के ये केंद्र भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले हालात में पूरे एहतियात के साथ। श्रीडी से नितिन मिरांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंचटाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, तो अभी डाल लेते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, असल में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।